अमेरिका ने मंगलवार को एक नई ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों से भारत की यात्रा करते समय जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रैवल नहीं करने की सलाह दी है। सीमा पर आतंकी गतिविधियों के कारण सावधानी बरतने ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की ओर से जारी की गई है। चीन में कोरोना एक बार फिर अपना कहर बरपा रहा है। बढ़ते केस के कारण कंट्रोल करने के लिए चीन में कई बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई के लोगों के साथ जानवरों को भी अब खुले में घूमने से रोका जा रहा है। वहीं बिहार राज्य से एक ताइवान की महिला पर्यटक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बोधगया में एक निजी लैब में महिला ने टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बीते 9 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत ₹5.60 प्रति लीटर का उछाल आया है। मुंबई में अब पेट्रोल ₹115.88 और डीजल ₹100.10 प्रति लीटर मिल रहा है। MPTET वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त होने की खबर फैलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा निरस्त होने की सूचना भ्रामक और झूठी है, ऐसे में परीक्षाएं समय पर ही आयोजित कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्शन मोड में हैं। पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दिल्ली में सीवर में गिरने से 3 मजदूरों की मौत होने के बाद शवों को निकालने के लिए करीब 4 से 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में यह हादसा हुआ था। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। सीएम धामी ने अपने पास सबसे ज्यादा 23 विभाग रखे हैं, जबकि प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया है। वहीं मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला सदस्य रेखा आर्य को खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है। हनुमान चालीसा के शूट के दौरान जूते पहनकर एक्ट करने पर भारतीय सिंगर सुखविंदर सिंह ट्रोल हो गए हैं। वीडियो में सुखविंदर सिंह और कुछ को आर्टिस्ट पैरों में जूते पहने दिख रहे हैं, जिसे लोग हिंदू धर्म का अपमान मान रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा अब विदेश में भी हो रही है। ब्रिटिश सांसद से आमंत्रण मिलने के बाद विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी वहां पर जाएंगी और कश्मीर पंडितों के बारे में बात करेंगी।